अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स 0 to 9 एंड लक, इसके बारे में पहले भी मैंने कुछ बताया है और मैं आगे बताना चाहूँगा। इस पे जो इंक्लूड किया है वो है सपोर्टिंग नंबर्स और कंट्रोल नंबर्स। सपोर्टिंग नंबर्स और कंट्रोल नंबर्स क्या हैं मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप देखिए चार्ट में मैंने आपको दिखाया था पहले, सब नंबर्स को एंटर किया जाता है और उसके रिजल्ट निकाले जाते हैं। हर नंबर के साथ एक सपोर्टिंग नंबर है और एक रिजल्ट नंबर है। सपोर्ट नंबर 8, 5 और 2 होते हैं, वो किस तरह होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप चार्ट के शीट 2 पर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कुछ कॉलम बनाए हुए हैं। जैसे 0 नंबर है, 0 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 जोड़ा तो 2 आता है, 0 का सपोर्टिंग नंबर 2 है। इसी तरह से 1 का सपोर्टिंग नंबर 8 है, 2 का सपोर्टिंग 2 6 12 14, 14 का 1 + 4 5 है। तो देखिए 1 का 8 है, 2 का 5 है, 3 का 3 6 18 18 और 2 20 2 आता है, 4 का 4 6 24 तो 26, 2 + 6 8 आता है। इस तरह से 8, 5 और 2 रिपीट होते हैं नंबर। ये आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको 8, 5 और 2 सबके रिपीट होते दिखाई देंगे। देखिए फिर दिखाता हूँ, देखिए 8, 5 और 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं रिंग के सबके सामने। और कोई भी नंबर को अगर आप आगे लेकर जाएंगे, कोई भी नंबर है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए नंबर 11 है, 11 × 6 = 66, 66 + 2 = 68, 68 का फिर आप जोड़ेंगे 6 + 8 = 14, 14 के आगे फिर 1 + 4 = 5, आंसर आ गया 5, 5 को आगे फिर करेंगे 5 × 6 = 30, 30 + 2 = 32, 32 + 2 = 5, फिर आ गया 5, 5 से आगे 5 ही आ रहा है। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, 9 नंबर दे दीजिए, 9 × 6 + 2 कितना था देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आता है 9 × 6 = 56, 6 × 5 = 11, 2 × 6 = 12, 12 + 2 = 14, 5। कोई भी नंबर आप लेंगे लास्ट में 5 आएगा, इसको इसलिए 5 को कंट्रोल नंबर कहते हैं। 5 से आगे कोई जा नहीं सकता है, कोई भी कैलकुलेशन आप करेंगे 5 से आगे 5 ही आएगा। 8 × 6 = 48 + 2 = 50, 5 + 0 = 50, 7 × 6 = 42, 42 + 2 = 44, 44 का हो गया 4 + 4 = 8, 8 को फिर आप लेंगे 8 × 6 = 48 + 2 = 50, 5 × 0 = 5, तो 5 को कंट्रोल नंबर इसलिए कहा गया है। कोई भी नंबर आप लेंगे 5, 5 को इसलिए हमने अल्टीमेट कहा है, 5 से अलावा कोई नंबर होता नहीं, इससे आगे उनको नहीं होता। इसलिए हमने इंटरप्रिटेशन दोबारा बता देता हूँ। इससे हमने पहले 1 नंबर कहा था, 1 का मतलब होता है अथॉरिटी, लीड, एग्जिट, एंट्री, लीडरशिप, ट्रेलिंग, लर्निंग, इस सब 1 में आता है। 2 में आता है मटेरियल, वेल्थ, कोई भी चीज़। नंबर 3 में आता है मेकिंग या ब्रेकिंग, तोड़ना, बनाना। नंबर 4 में आता है लिक्विड, द्रव, मोबिलिटी, इमोशन। इसी तरह से नंबर 5 में आता है कंट्रोल, मैजिक, अनएक्सपेक्टेड, अनप्लान्ड। इसी तरह से नंबर 6 में आता है वर्क, टेंशन, प्रोसेस, डिसीशन, जजमेंट। नंबर 7 में आता है रिजल्ट, आप कह सकते हैं फ्रूट, सक्सेस, ऑरा, ऑरा जो सर के ऊपर होता है। इसी तरह से नंबर 8 में आता है सिस्टम, जैसे इनविजिबल, डार्क, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, टॉक्स। नंबर 9 में आता है हार्ड वर्क, स्ट्रगल, फायर। इसी तरह से इन सब का मीनिंग आप एक के साथ मिला सकते हैं। और 5 नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ पर एक्चुअली गॉड खुद ही बैठते हैं, अल्टीमेट कंट्रोल का नंबर है। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि सारे नंबर इससे रिलेट करेंगे। ये सबसे दूर होता है, ये नंबर 5, नंबर 8, नंबर ये सब सुपर स्पिरिचुअल नंबर हैं। आप कह सकते हैं ऊपरी जन को हिंदी में कहते हैं सुपर स्पिरिचुअल नंबर से, बॉडी के अंदर ही होते हैं। बॉडी के अंदर जो होता है ना, 1 एंट्री का होता है, 2 सीमन का होता है, 3 नाभि का होता है, 4 हट पे होता है, 5 जो मैंने पहले बताया सबसे बाहर होता है जहाँ भगवान बैठते हैं, नंबर 6 माइंड में होता है यहाँ पर, नंबर 7 इसके ऊपर ऑरा होता है, और 0 जो पूरे स्टार्स के चारों तरफ
प्लैनेट्स के चारों तरफ से करके उसको एंजाइम कंपास किया हुआ है। ये नंबरों का मतलब निकालना बहुत जरूरी है। सपोर्ट नंबर मैंने आपको बताया 852 852 852, ये 0 का 2 1 का 8 2 का 5 3 का 2 4 का 8 5 का 5 6 का 2 7 का 8 8 का 5 9 का 2 10 का 82 11 का 88 12 का 85 इस तरह से पूरे सपोर्टिंग नंबर चलते रहेंगे। अभी देखिए हम मान लीजिए 19 का निकालते हैं, 1 का 8 9 का 2 82, ये सपोर्ट नंबर होते हैं। और रिजल्ट नंबर मैंने बताए हैं, कोई भी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जोड़ेंगे तो रिजल्ट नंबर आ जाएगा। इन सबका एक कंटिन्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखें शीट 1 में ये हमें याद है जैसे डेट मंथ और ईयर है। शीट में डेट मंथ और ईयर है, देखिए आप देखिए यहाँ पर इसके नीचे हमने कुछ और नंबर भी लिखे हुए हैं, जैसे 30 के नीचे 22 है, 1 के नीचे 8 है, 55 के नीचे 55 है, फिर 30 के फर्दर नीचे 22 और उसके नीचे 182 है, 1 के नीचे फिर 8 और 6 8 है, 55 के नीचे 55 और 32 है। इन सबकी 852 की अगर हम काउंटिंग करते हैं उसके बाद परसेंटेज निकालते हैं तो कुछ यहाँ पर रिजल्ट आते हैं। से यहाँ 66.67% है, ये इसका रूलिंग नंबर है। 852 नंबर के बेस पर रूलिंग निकाली जाती है कि आदमी की कितने एफर्ट सक्सेसफुल होंगे, उसकी बात कितने परसेंट लोग मानेंगे। किसी की बात पे 100% मानी जाए कोई जरूरी नहीं है। आपकी 10 बातों में से किसी की 5 मानी जाती है, किसी की 6 मानी जाती है, किसी की 2 मानी जाती है, किसी की 8 मानी जाती है, किसी की 7 मानी जाती है। कितने परसेंट आपकी वैल्यू है आपकी बात की, वो इससे देखी जाती है। ये बहुत जरूरी है समझना। इसके अलावा आप देखेंगे आपके बहुत नंबर हैं जो हम लेते हैं। स्पिरिचुअल नंबर्स तो हमने बता दिए 1 2 3 हट सकता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल नंबर्स हैं, आप किस नंबर में बॉर्न हुए हैं, जन्म हुए हैं, आपके जुडिशियरी नंबर क्या है, आपके एग्जीक्यूटिव नंबर क्या है, आपके लेजिस्लेटिव नंबर क्या है। क्योंकि जिस तरह से हमारा देश चलता है 3 ऑर्गन्स पे, इसी तरह नंबर के हमने ऑर्गन्स बनाए हैं कि जुडिशियरी आपको क्यों भेजा गया है, एग्जीक्यूशन आपका क्या कर रहे हैं, आपका लेजिस्लेशन किस तरह का आया है आपके लग में। इन तीनों के अपने अपने स्पेसिफिकेशन हैं, अपने अपने सिग्निफिकेंस हैं। उसको देखते हुए उसके बेस पे इंटरप्रिटेशन की जाती है कि आपको वहाँ से क्यों भेजा गया है, वहाँ से मतलब है आपको भगवान के घर से किसके उसके लिए भेजा गया है, क्या जजमेंट है आपका, आपको किस तरह से काम करना होगा अपनी जिंदगी में आपके नंबर के द्वारा, और आपकी एनेक्टमेंट क्या की गई है वहां से, आपके रिजल्ट क्या है। इसलिए डेट मंथ और ईयर को हमने इसलिए बाइफरकेट ट्राइफरकेट किया है। डेट का मतलब आपके प्राइवेट एक्सक्लूसिव आप पर्सनली किस तरह बिहेव करेंगे, मंथ का मतलब है कि आपका लोगों से किस तरह की डीलिंग होगी, आप किस तरह लोगों से कंडक्ट करेंगे, ईयर का मतलब है कि आपका माइंड किस तरह का होगा, आपकी डेस्टिनी किस तरह की होगी। और इस सबके जो टोटल निकालते हैं डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, उसका जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं टोटल नंबर, जिसका मतलब होता है कि आपकी टोटल पर्सनलिटी क्या है। और बाकी जो दूसरे सपोर्टिंग नंबर है वो बताते हैं आपके सपोर्ट में कौन कौन लोग तरह के नंबर आ सकते हैं, किस किस तरह के लोग आ सकते हैं। और इसी तरह से हम ये देखा जा सकता है कि आपके हर नंबर के रिजल्ट में क्या आ सकता है। और आपके जो अपने नंबर है जैसे डेट और प्लस ईयर, वो आप करके जब कमरे में बैठे होते हैं तो आप किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से सोचेंगे, किस जब आप लोगों से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है आपकी क्या पर्सनैलिटी होगी, ये बता सकते हैं इस नंबरों से। आप इस चार्ट में बहुत कुछ देख सकते हैं। खाली ये नंबर्स की पर्सनल वैल्यू तो आप देख ही आ सकते हैं। मान लीजिए 10 है किसी की पर्सनल डेट, 10 10 10 10 10 10, इसका मतलब है 10 का महीना है, 10 डेट है, 10 ईयर है। उस आदमी की फुल लीड में बिलीव करेगा, फुल अथॉरिटी में बिलीव करेगा क्योंकि उसकी डेट 10 है, उसका मंथ 10 है क्योंकि वहाँ भी वो फुल लीड लेगा, और उसका ईयर भी उसका माइंड भी फुल लीडरशिप का होगा। इस तरह से कोई भी नंबर आप दे सकते हैं और अपने मतलब लगा सकते हैं। उसकी टोटलिटी में फुल पर्सनैलिटी आएगी, वो किस तरह का काम करेगा, किस तरह की सोच होगी, किस तरह का माइंड होगा, किस तरह उसका फ्लो होगा, काम करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। ये जरूरी है कि ये नंबर सब काम के ऊपर बेस करते हैं, इसका हम पूरा भाग्य से या ज्योतिष से नहीं लगा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में या न्यूमरोलॉजी में किसी और तरह के नंबर चलते हैं, वो आर्बिट्री नंबर है क्योंकि उसके अंदर 0 कंसिडर नहीं किया गया है। हमारे इस सब्जेक्ट में न्यू अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स में हमने 0 को फुल वैल्यू दी गई है। यहाँ पर 0 से स्टार्ट होते हैं, 9 पे सिंगल डिजिट में खत्म होते हैं, लेकिन नंबर 143 तक चार्ट में चलते रहते हैं और सबके कम्बिनेशन आते हैं। 0 का फुल इस्तेमाल होता है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि 0 के बिना कुछ भी एक्जिस्टेंस नहीं है। 0 जब तक अलग है तब तक अलग है, लेकिन किसी नंबर के साथ जब लग जाती है तो उसकी वैल्यू 10 गुना हो जाती है, 2 बार लगती है तो 100 गुना हो जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये सपोर्टिंग नंबर्स बहुत वैल्यू देते हैं, इसके अलावा रिजल्ट नंबर बहुत वैल्यू देते हैं।
न्यूमरोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, उससे हमारे नंबर का इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक आर्बिट्री है, वहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ स्पिरिचुअल मूवमेंट को कंसिडर किया गया है। यहाँ पे हमने जो मूवमेंट कंसिडर किया है वो नंबर वन जो कि हमारे लिंग पर होता है, नंबर टू सीमन पर होता है, और ये तीन नाभि पर होता है, चार हार्ट पर होता है, उसके बाद एक पाँच कनिस होता है, भगवान बैठते हैं, छः जहाँ माइंड पर होता है, मस्तिष्क पर होता है, सात ओरा पर होता है, और आठ पूरा सिस्टम होता है, नौ नंबर जो जीरो के अंदर घूमता है, जीरो जो इनकम्पास करते हैं पूरे स्टार्स को, ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। यहाँ पर आत्मा की एंट्री लिंक से होती है, जो हम सब यहाँ एनवेलप में रह रहे हैं, हमारी बॉडी के ऊपर जो इनविजिबल एनवेलप इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड है वो नंबर एक पर एंटर करता है, और हमारे कर्म के द्वारा वन टू थ्री फोर तक जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि जीना जरूरी है नंबर फोर तक, उसके बाद नंबर पाँच छः सात पर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब ये नंबर छः पर आ जाता है तो माइंड का प्रोसेस होता है, नंबर सात पर जाता है तो नेचुरल एनर्जी मिलती है, और नंबर सात से जब कनेक्शन होता है सिस्टम का आठ का, उसके थ्रू जाता है सीधा नंबर पाँच पर आता है, जाके सारी सारी नॉलेज की, सारी साइंस की, पूरी कलाओं की, साइंस की फाइल्स रखी हैं, जरूरत पड़ने पर हमारे वहाँ से कनेक्शन हो जाता है, जिसको कि एक्चुअली योग कहते हैं। योग वो नहीं है जो कि एक्सरसाइज द्वारा किया जाता है, योग ये होता है कि आपका जो मेंटल पावर है, आपकी ओरा की शक्ति है, वो शक्ति वहाँ उस शक्ति से मिले जहाँ पर सब कुछ नॉलेज है, वो शक्ति आपको मिलती है और आती रहती है। आप 24 घंटे में जितने घंटे भी चाहें योग कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि योग हर वक्त होता है, एक्सरसाइज से होता है। जो बच्चा पढ़ता है स्कूल में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, वो दिन के 24 घंटे में से 2-3 घंटे ही पढ़ता है, या कोई 8 घंटे पढ़ता है, कोई 12 घंटे पढ़ता है, उसे योग कहते हैं, क्योंकि उस टाइम वो पूरा ध्यान कंसंट्रेशन पढ़ाई पर होती है, और योग होता है उसका माइंड जो होता है उन फाइलों पर होता है, किताबों के द्वारा, इसको योग कहते हैं। योग योग ये बहुत बड़ी थेरापी है, जब आप समझते हैं आप थकावट है, लेकिन आप माइंड चलाएंगे, काम करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, और आपका माइंड में बड़ी प्लेजर मिलेगा, खुशी मिलेगी कि मुझे मैथमेटिक्स समझ आ रहा है, मुझे फिजिक्स समझ आ रही है, केमिस्ट्री समझ आ रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। योग इतना आसान नहीं है, योग मेंटल प्रोसीजर है, योग फिजिकल प्रोसीजर नहीं है, ये फिजिकल प्रोसीजर को एनर्जी देता है, क्योंकि माइंड जब फुल होता है 7 एनर्जी में 7 में एनर्जी होती है, 6 में एनर्जी होती है, वो एनर्जी जरूरत होती है, तो बॉडी के नीचे हिस्से में 1, 2, 3, 4 से पॉइंट है, वहाँ पर ये ट्रांसफर की जा सकती है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तब आदमी की बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। जो आदमी पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं, उसके ऊपर माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसे भी योग कहते हैं। सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर जो रिसर्च करते हैं वो सभी योगी कहलाते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो सब साइंस करते, इसीलिए राम ऋषि भी दिया गया है, रिसर्च करते थे, कि वो सब बड़े बड़े योगी होते थे, ऐसा करते थे, उनकी शक्तियाँ बढ़ती थी। हवन जैसे कहते हैं वो एक कंसंट्रेशन है, विशेषज्ञता है, सब्जेक्ट कोई स्पेशलाइजेशन है वो भी विशेषज्ञता है, ये पूरे योग है। योग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, करोड़ों किलोमीटर दूर आप बैठे हैं, यहाँ से माइंड को चला रहे हैं, ये आठ प्लैनेट नौ सिस्टम और दूसरे सिस्टम भी उसके अंदर आ रहे हैं, एनर्जी वहाँ से आ रही है, आपको एनर्जी स्टार्ट से मिल रही है, लेकिन वो एनर्जी जब योगी का होंगे तो एनर्जी नुकसान नहीं देंगी, आपको फायदा देगी, सूरज की शक्ति भी आपको फायदा देगी, सूरज की रोशनी फायदा देगी, चंद्रमा की रोशनी फायदा देगी, और ग्रह की रोशनी फायदा देगी, वायुमंडल से आपको फायदा मिलेगा, हवाओं से आपको फायदा मिलेगा, जमाने की सोच से आपको फायदा मिलेगा, आपका जो एनवेलप है जब सो जाते हैं तब जागता है, उसकी पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आत्म के ऊपर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर हमने लिया है, कम से कम सरफेस एरिया माइंड के ऊपर होता है, एक एक तरह का सिलिकॉन चिप्स है जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है, और कंप्यूटर आजकल जो चल रहा है 10^-6 माइक्रोन पर चल रहा है, हमने भी माइक्रोन कैलकुलेट करके देखा है, तो ये 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है, जब आप सो जाते हैं एक्टिवेट होता है आपकी एनर्जी से, तो 80 मीटर का डायामीटर की एक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉल आपके सर पे बन जाती है, कम से कम जब आपकी वैल्यू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और हमने 10^-6 की वैल्यू रखी जो हर इंसान में होती है, हर व्यक्ति में होती है, ये वैल्यू बढ़ाई जा सकती है, और हमने कैलकुलेट करके देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको 55 वैल्यू तक लेके जाए जहाँ अनलिमिटेड कंट्रोल होता है, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू 10 × 2 × 10^23 किलोमीटर हो जाती है, ये वो वैल्यू जहाँ पर स्टार्स की लोकेशन हो सकती है, हमने ऐसा समझा है, उसके बाद भी जा सकती है, लेकिन इस वैल्यू को हमने कंक्लूड किया है कि 10 × 2 × 10^55 वैल्यू जो कि बेस करती है 55 नंबर पे, ये आपको स्काई लाइन का डिस्टेंस दे सकती है, इससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम है जहाँ पर हमारे सितारे बैठे हैं, तारे बैठे हैं, ये डिस्टेंस इतने किलोमीटर हो सकता है, ऐसा हमने कैलकुलेट करके देखा है। इन नंबरों को समझना बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, 0 से 9 नंबर तक का, उसके बाद ही ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं आगे किस तरह बढ़ते हैं, चार्ट्स किस तरह जाते हैं। इन चार्ट्स में हमने देखा है, आपको बताया है कि आप देख सकते हैं कि आपका 2 नंबर कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक जाता है, 1 नंबर कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक जाता है सुपर कॉलम में, और दो जो पर्टिकुलर 2 नंबर का पीरियड है सुपर कॉलम में वो बता सकते हैं कि किस एज से, किस सन से, किस आपकी उम्र से, किस उम्र तक का आपका ये 2 पीरियड होगा, 2 नंबर में आपकी मेटेरियलाइज होगी, आपके प्लस माइनस लाइफ के जितने पॉइंट आएंगे वो इसी में होंगे, ये बात जरूरी है समझना। जो लोग जो समझ चाहते हैं वो इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं।
इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा कैलकुलेट करिए, निकालिए तो आपको पता लग जाएगा। आपको 12 राशियों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 141 राशियाँ ऑटोमेटिक हैं। 141 और 12 में 12 गुना का फर्क होता है। वो राशियाँ सिर्फ 12 पार्ट से बनी हैं, लेकिन ये जो ये नंबर हैं 141 में बने हैं। 141 के अंदर और भी फर्दर डिवीजन किया गया है, क्योंकि डेट मंथ ईयर को अलग अलग दिया गया है। तो इस हिसाब से थाउजेंड्स में बनते हैं ये, क्योंकि 30 को एक से, क्योंकि आपको डेट को 31 को मंथ 12 को और ईयर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप 31 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 को से मल्टीप्लाई कीजिए, उत्तर राशि में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेली देख सकते हैं, मंथली देख सकते हैं। अगर आपको किसी ईयर का पता करना है तो ईयरली देख सकते हैं। जैसे आप देखिए किसी मंथ के बारे में पता करना है आपका मंथ कैसा होगा, तो आप डेट के अंदर ईयर ऐड कीजिए तो आपको डेट का पता, सॉरी मैं आप मंथ के अंदर ईयर ऐड करेंगे तो मंथ का नंबर आ जाएगा। डेट प्लस मंथ प्लस ईयर देखेंगे तो आपको टोटल नंबर आएगा किसी भी दिन का। आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर जाके कि उस दिन आपके तीन हिस्से कैसे हैं। पहले हिस्से में अगर ये आपने मंथ का देखा है 10 दिन का पता लगेगा, दूसरे हिस्से में दूसरे 10 दिन का पता लगेगा, तीसरे हिस्से में तीसरे 10 दिन का पता लगेगा। इसी हिसाब से आप अगर पूरे वर्ष का देखते हैं, आपका मान लीजिए 40 साल की उम्र चल रही है, तो उसके पहले पहले 4 महीने में कैसा होगा, दूसरे 4 महीने में कैसा होगा, तीसरे 4 महीने में कैसा होगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं पूरे दिन का, अगर आप दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं तो आप डेट प्लस मंथ प्लस ईयर को जोड़ देंगे तो जो भी चेक नंबर आएगा उसमें आप देखेंगे कि आपके पहले 8 घंटे, दूसरे पहले 4 घंटे, दूसरे 4 घंटे और तीसरे 4 घंटे में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। ये आप किसी भी दिन देख सकते हैं अपने चार्ट के अंदर, किसी भी महीने का देख सकते हैं, किसी भी साल का देख सकते हैं। आपको अपने नंबर्स की इंडिकेशन मिल जाएगी और उसके अंदर किस तरह का इसका प्रभाव होगा वो आपको मिल जाएगा, ये आप खुद ही पता लगा सकते हैं। इन चार चार्ट इन चार कॉलम में पहला कॉलम चेक का है, दूसरा कॉलम टाइम के फेज 1 का है, दूसरा टाइम के फेज 2 का है, तीसरा टाइम के फेज 3 का है, और इसके बाद रिजल्ट आते हैं, उसके बाद सुपर कॉलम आता है, उसके बाद एवरेज आती है। आप इन सबको पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका वो वक्त उस समय का किस तरह का होगा। ये समझना बहुत जरूरी है। सपोर्ट नंबर आपको दिए गए हैं, आप पता लगा सकते हैं सपोर्ट कैसी होगी। और आप देख सकते हैं कि सपोर्ट के बाद हमने उस शीट 2 पे और भी कुछ कैलकुलेट किया है प्रोग्राम करके, आप पूरा का पूरा देख सकते हैं उसमें नंबर्स कैसे हैं, उसके इंटरप्रिटेशन हमने साथ में लिखे हैं काफ़ी हद तक। अगर आप देखेंगे चार्ट के अंदर जाके तो हम आपको वहाँ पर देखेंगे। आप देखिए यहाँ किस तरह के नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, किस तरह के इंटरप्रिटेशन चार्ट में हैं, ये सब नंबरों के यहाँ पर दिए गए हैं। और ये बहुत ईजी है समझना, देखना बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ये आपकी हेल्प के लिए हमने बनाए हैं ये। आप अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप मेल करके पूछ सकते हैं। ये नंबर सबके लागू होते हैं, किसी भी चीज़ पे लागू होते हैं, इंसान के ऊपर लागू होते हैं, व्यक्ति के ऊपर, किसी मकान के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर। या डेट ऑफ बर्थ आपको दी गई है, डेट ऑफ प्रोडक्शन दी गई है, डेट ऑफ एप्लीकेशन दी गई है, कोई भी आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा समझ आना चाहिए, मैथेमेटिक्स के सिंपल मैथेमेटिक्स की नॉलेज इसके अंदर इस्तेमाल होती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती है। ये नंबर को आगे हम टाइम भी डाला जा सकता है इन चार्ट्स में, कि टाइम किसी भी टाइम में पैदा हुए हैं तो वो डेसिमल्स में डाल सकते हैं और देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। इस फ्यूचर नंबर के चार्ट में आप देखेंगे हमने उसके अंदर कुछ इंटरप्रिटेशन वगैरह लिखी है, आप उसको पढ़ें, देखें और समझें तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। हमने किताब लिखी थी लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं हुई, हमने इसलिए उसको वेबसाइट पर डाला है। ये नंबर आप समझ सकते हैं वेबसाइट के ऊपर जाके, उसके अंदर हमने वर्ड्स के भी वर्ड्स डाले हुए हैं, एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, और किसी का भी इंटरप्रिटेशन आप बना सकते हैं। और बहुत से नंबर इसके आगे हैं, चार्ट्स हैं जो हमने अभी आपको बताए नहीं है, बाद में बताएंगे। हम सिर्फ इतना रखते हैं कि आप पहले इस पर प्रयोग करें, ट्राई करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे हम और भी इसका देंगे। ये नंबर आप समझिए बहुत अच्छे नंबर हैं और समझ सकते हैं आप इसको, आप इसको अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आपको फायदा होगा, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। आप इसमें समझिए, यूज़ कीजिए, और भी नंबर आपको बातें बताएंगे। जैसे हमने कल आपको 7885 बताया था, ऐसे बहुत से नंबर होते हैं, 7852 5 हो सकता है, और बहुत सारे नंबर जो आपके यूज़ में आ सकते हैं। जैसे एक 786 नंबर होता है, 786 का मतलब है सफलता, लिंग और कर्म, जो कर्म आप कर रहे हैं वो सफल हो जाए। ऐसे बहुत सारे नंबर, ऐसे मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, ये समझने की बात है। और बहुत से नंबर जैसे हमने 7885 का मतलब है जय महाकाली धर्म, इस तरह का इसका मतलब होता है, जय महाकाली धर्म, जय धर्म, कुछ भी आप कह सकते हैं। ऐसे ही नंबर की तीन दफा रखने से उसकी पावर 111 हो जाती है। मान लीजिए आपने नंबर 111 को तीन, इसका मतलब है वो उसका गॉड के इक्विवेलेंट हो जाता है। इसी तरह से नंबर कोई भी है जैसे 666 है, 999 है, इनकी उतनी ही पावर 111 गुना बढ़ जाती है। इस चीज़ को समझिए, देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनको आगे कैसे किया जा सकता है। नंबरों की साइंस है ये कोई न्यूमरोलॉजी नहीं है, मैं फिर बताता हूँ, कोई तरफ से इसका कोई लिंक नहीं है। ये इसको हमने इंग्लिश में नाम दिया है अप्लाइड डियर्जी, डियर्जी का मतलब होता है अलौकिक विज्ञान, जो विज्ञान अभी तक पैदा नहीं हुआ है लेकिन हमने समझा है, हमको सपनों के अंदर ही आया है, ड्रीम्स के अंदर बहुत सारे
सारे चार्ट्स मिले थे मुझे, नंबर को समझा गया था, उसकी इंटरप्रिटेशन की गई थी, और ये सब चीज़ें मुझे भगवान शिव जी ने भी दर्शन दिए थे, कहा गया था कि आप इनके आगे प्रोसेस कीजिए, तो मैंने किया। आप लोगों की सेवा में ये प्रस्तुत किया गया है, आप इससे उठाइए, अपना फ़ायदा उठाइए जीवन में, हो सकता है इसमें कोई ज्योतिष नहीं है, कोई दूसरी साइन, कोई भ्रम नहीं है, कोई इसके अंदर धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिंपल नंबर है, हम सब धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए बनाया है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि ये भारत के लिए बहुत जरूरी है, लोग इंग्लिश समझते नहीं है यहाँ पर, वो हमने इंग्लिश में लिखी थी, वो लोगों को समझ नहीं आई, ये बाहर के लोग तो इस चीज़ को मानते नहीं है, हमारे कल्चर को समझते नहीं है, अगर वो समझेंगे हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो ये वीडियो इंग्लिश में ही बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं प्रोफेशनल इंजीनियर सिविल हूँ, अभी मैं भारत हूँ, वैसे मैं मिडिल ईस्ट में काम करता हूँ। आपका ध्यान देने पर, अटेंड करने पर वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय भारत।